हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव सेको। और आज हम जानेंगे हॉलीवुड की एक यूनिक फिल्म की एक्सप्लेनेशन अगेन इन हिंदी। यस फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी फिल्म की स्टोरी हिंदी में जानने जा रहे हैं जो 1995 में आई थी और एक साइंस फिक्शन है और ये टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आज हम लोग जानेंगे 12 मंकीज़ की स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 12 मंकीज 1995 की मूवी है और इसे IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है। इसके स्टार कास्ट में है ब्रूस विलिस, मैडलिन स्टॉफ और ब्रैड पिट। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ब्रैड पिट के लिए ये मूवी देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें ब्रैड पिट का जो रोल है वो कुछ ही सीन्स दिखाए गए हैं और कम ड्यूरेशन के लिए उनका रोल है। लेकिन फिर भी आप अगर सिर्फ उनके लिए मूवी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उनका रोल इस मूवी में छोटा तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट है और हमेशा की तरह उन्होंने इनक्रेडिबल एक्टिंग तो की ही है। मैंने भी पहली बार ये मूवी ब्रैड पिट के लिए ही देखी थी, लेकिन जब मैंने मूवी ये देखी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि इसकी स्टोरी लाइन के लिए भी आप ये मूवी देख सकते हैं और इसके दूसरे एक्टर्स को भी आई एम श्योर आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मूवी की स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एयरपोर्ट का सीन। उस एयरपोर्ट पे क्या होता है कि एक आदमी एक ब्रीफकेस लेके जा रहा होता है और उसी एयरपोर्ट पे एक दूसरा आदमी जिसके हाथ में गन होती है वो दौड़ रहा होता है। और पीछे से हम देखते हैं कि एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ होती है वो उस आदमी के पीछे जिसके हाथ में गन रहती है उसे शूट कर देता है, यानी कि उसे गोली मार देता है। और उसे गोली लगता देख एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की जो उसी एयरपोर्ट पे प्रेजेंट थी घबरा जाती है और घबरा के उस आदमी की तरफ दौड़ती है और उसे कैच कर लेती है और वो आदमी गिर जाता है। ये सब होते उसी एयरपोर्ट पे एक छोटा लड़का जिसकी एज 8-9 साल के अराउंड है वो ये सब देख रहा होता है। और तभी क्या होता है, ड्रीम ख़त्म हो जाता है। यस फ्रेंड्स, ये जो एयरपोर्ट वाली बात थी, एयरपोर्ट का सीन, ये एक ड्रीम था। ड्रीम एक आदमी का जो कि 2035 में, और अब हमें पता लगता है कि मूवी जो अभी चल रही है ये 2035 में का सीन है। 2035 में क्या दिखाते हैं इस मूवी में कि एक महामारी जो एक वायरस से शुरू हुई थी उसके वजह से दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है और दुनिया की थोड़ी बची हुई जो पॉपुलेशन है वो अर्थ के सरफेस को वो लोग छोड़ चुके हैं और अंडरग्राउंड रह रहे हैं। और यहाँ अंडरग्राउंड एक प्रिजन है जिसमें कि एक प्रिजनर है जिनका नाम है जेम्स कोल, और उन्हीं को ये एयरपोर्ट वाला ड्रीम आया था। और जेम्स कोल के जस्ट साथ वाले शेल में जो दूसरे एक प्रिजनर होते हैं उनका नाम होता है जोजे। अब जोजे, जेम्स कोल और इनके जो बाकी फेलो प्रिजनर्स हैं, ये लोग प्रिजन में क्यों हैं, किस वजह से और कब से ये लोग प्रिजन में हैं, ये सब कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। इस हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये दिखाया जाता है कि 2035 के जो साइंटिस्ट हैं वो जेम्स कोल को वॉलंटियर सेलेक्ट करते हैं। वॉलंटियर इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें टाइम ट्रेवल कराया जा सके। अब टाइम ट्रेवल जेम्स को इसलिए करना है क्योंकि जो अभी 2035 में मूवी में जो वायरस की महामारी चल रही है इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जिसने दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। और जो वायरस होता है ये बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, तो 2035 के साइंटिस्ट को अगर इस महामारी का इलाज चाहिए, इसकी कोई दवाई बनानी है, तो उनको ये ज़रूरी है कि वो इस वायरस के ओरिजिनल फॉर्म को, जब ये स्टार्ट हुआ था तब जो इसका फॉर्म था उसको स्टडी कर सकें। लेकिन क्योंकि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, 1996 से 2035 तक वायरस इतना ज़्यादा म्यूटेट हो चुका है कि उसका कोई भी ओरिजिनल फॉर्म भी बचा नहीं है। तो साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि जेम्स कोल टाइम ट्रेवल करके 1996 में जाएंगे और वहाँ से ये पता लगाएंगे कि इस वायरस की शुरुआत 1996 में किस जगह से हुई थी, और ये इन्फॉर्मेशन लेके प्रेजेंट में वापस आएंगे। जब जेम्स प्रेजेंट में आएंगे तो साइंटिस्ट दूसरे एक ग्रुप के साइंटिस्ट को वापस से पास्ट में भेजेंगे, जहां वो जाके उस वायरस के ओरिजिनल फॉर्म को स्टडी करेंगे, उसकी दवाई बनाएंगे और 2035 में आके उस दवाई का यूज़ होगा। तो ये साइंटिस्ट का बेसिक प्लान था। अब साइंटिस्ट के पास कुछ क्लू भी थे। वो जेम्स को ये बताते हैं कि 12 मंकीज नाम का कोई ग्रुप था जो इस वायरस की शुरुआत से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। और उसके अलावा वो जेम्स को एक फ़ोन नंबर भी देते हैं ताकि 1996 में जब जेम्स जाएँ टाइम ट्रैवल करके और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले या उन्हें कभी भी साइंटिस्ट से कोई कांटेक्ट करना हो तो वो बोलते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करके हमें अपना मैसेज दे सकते हैं। और जेम्स को ये भी कहा जाता है कि अगर उन्होंने टाइम ट्रैवल करके साइंटिस्ट्स की हेल्प की तो उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। और इसी सज़ा माफ़ होने के वजह से जेम्स जो है टाइम ट्रैवल करने को तैयार हो जाते हैं। और तब जेम्स को टाइम ट्रैवल करा के पास्ट में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट से एक गलती हो जाती है। जेम्स को जाना था 1996 में, लेकिन वो गलती से टेलीपोर्ट हो जाते हैं 1990 में।
तो वहाँ पे क्या होता है कि जेम्स को पुलिस प्रिजन में डाल देती है, क्योंकि जेम्स जब ये बोलते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं और वो किसी महामारी के वायरस के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो उनकी बात को कोई भी नहीं मानता और उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता है। और प्रिजन में उन्हें देखने एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कैथरीन रियली आती हैं, और डॉक्टर कैथरीन ये सजेस्ट करती हैं कि जेम्स एक साइकिक पेशेंट है, एक मेंटल पेशेंट है, और उन्हें प्रिजन में नहीं बल्कि उन्हें मेंटल असाइलम में होना चाहिए। और उनके कहने पर जेम्स को मेंटल असाइलम शिफ्ट कर दिया जाता है। मेंटल असाइलम में हम देखते हैं कि एक दूसरे पेशेंट होते हैं जेफ्री गोइंस, जो कि अपने आप को अपने फेलो पेशेंट्स का लीडर मानते हैं और सबको संभालते भी हैं, और सारे उनके जो फेलो पेशेंट्स होते हैं वो जेफ्री की बात मानते हैं। यहाँ तक कि जो मेंटल असाइलम का स्टाफ भी रहता है वो भी जेफ्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं दूसरे पेशेंट्स की, क्योंकि जेफ्री उन्हें संभाल पाते हैं। हमें मूवी में बाद में ये भी पता लगता है कि जो जेफ्री के फादर हैं वो एक बहुत ही फेमस वायरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, और वो एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं। अब यहाँ पे जेम्स कंटिन्यूसली अपने फ्यूचर से आने वाली बात सारे स्टाफ को, अपने डॉक्टर्स को बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता है। लेकिन जो डॉक्टर कैथरीन रहती हैं उनका दिमाग तो ये मानता है कि जेम्स एक साइकिक पेशेंट है, एक मेंटल पेशेंट है, और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उनका हर्ट कहीं ना कहीं जेम्स के साथ एग्री करता है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है डॉक्टर कैथरीन को कि वो भी पहले जेम्स से मिल चुकी हैं, और मेंटली तो वो जेम्स का इलाज करना चाहती हैं। मतलब उनका दिमाग तो उन्हें एक पेशेंट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन उनका जो हर्ट है वो उससे जेम्स को किसी नोन पर्सन की तरह, किसी दोस्त की तरह ट्रीट करता है। और ये बात उनके फेलो डॉक्टर्स को ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जेम्स एक बहुत बड़े पागल हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर से आए हैं और एक महामारी फैलने वाली है 1996 में, जो कि दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगी, और सब लोग इस बात को एक ब्लफिंग मानते हैं। और जेम्स कंटिन्यूसली उन्हें यही बात कहते रहते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं, और वो बोलते हैं कि उनके पास ये प्रूफ करने का तरीका भी है, उन्हें सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है। लास्टली डॉक्टर कैथरीन जेम्स को फ़ोन कॉल करने की परमिशन दे देती हैं, लेकिन जब जेम्स वो फ़ोन कॉल करते हैं तो वो फ़ोन गलत जगह पे लग जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब जेम्स को ये नंबर दिया था तो ये नंबर 1996 के लिए वैलिड था, लेकिन क्योंकि अभी जेम्स 1990 में है तो ये गलत नंबर है। और जेफ्री, जो कि जेम्स के दोस्त बन गए होते हैं अब तक, वो जेम्स को एक बार भागने में भी हेल्प करते हैं। वो जेम्स को एक चाबी देते हैं ताकि वो वहाँ का गेट खोलकर भाग सकें। जेम्स वो चाबी ले लेते हैं, और जेफ्री इधर जब सारे पागलों को और सारे स्टाफ को अपने में एंगेज कर लेते हैं तो जेम्स क्या करते हैं, वो गेट खोलकर भाग जाते हैं। लेकिन वो मेंटल असाइलम से पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा रहे होते हैं, तभी वहाँ के स्टाफ को पता लग जाता है, और जेम्स को वो लोग वापस पकड़ लेते हैं भागने से पहले ही, और उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश भी कर देते हैं, और उन्हें एक आइसोलेटेड सेल में चेन्स से बाउंड करके रखा जाता है। यस फ्रेंड्स, अब जेम्स को आइसोलेटेड सेल में रखा जाता है चेन्स से बांध के। और जो डॉक्टर कैथरीन है, उनके जो बाकी कुलीग्स हैं, उनके सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो उनको ब्लेम करते हैं कि वो जेम्स के लिए इतनी डिफेंसिव थी इसीलिए उन्हें खुला छोड़ा गया था, लेकिन जेम्स कभी डिजर्व नहीं करते थे खुला रहना, उन्हें पहले से ही स्ट्रेन्स में रहना चाहिए। और तभी उन डॉक्टर्स को एक न्यूज़ मिलती है कि जेम्स अपने आइसोलेटेड सेल से, जहाँ की वो चेन से बंधे हुए थे, वहाँ से भाग गए हैं। सब लोग वहाँ आते हैं और ये देख कर चौंक जाते हैं, बहुत ही शॉक और सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि जिस आइसोलेटेड सेल में जेम्स को बेहोश करके चेन से बांध के रखा गया था, और बाहर भी ताला था, बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, वहाँ से जेम्स बिना कुछ तोड़ फोड़ किए कैसे भाग सकते हैं। और सब लोगों को ये बात बहुत ही शॉक कर देती है। और जेम्स, जो कि टाइम ट्रैवल करके वापस से 2035 में लौट आए हैं, उन्हें अब एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आदमी की आवाज़ जो उन्हें बॉब कह के बुलाता है। और ये आदमी जेम्स से वही सारी बातें कहता है जो जेम्स एक्चुअली सोच रहे हैं, लेकिन खुद वो अपनी बातों से एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ओवरऑल कहें तो ये आवाज़ या ये आदमी जो कि जेम्स से बात कर रहा है, ये जेम्स के अपने मन की बात उनसे बोलता है, लेकिन ये जेम्स को कभी भी दिखता नहीं है। और ये आदमी कौन है, ये आदमी जेम्स से क्यों बात कर रहा है, इस बात का कोई अभी तक पता नहीं लगा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता लगा है कि इसको जेम्स के अंदर की बात, मन की बात कैसे पता है, और ये जेम्स को बॉब क्यों कह रहा है। तो
ये जब जेम्स अक्सर बातें किया करता है जेम्स से, और जब भी जेम्स से बात करता है वो सारी बातें बोलता है जो जेम्स खुद चाहते हैं या खुद सोच रहे हैं। अब जब जेम्स 2035 में वापस लौट आए हैं तो वो साइंटिस्ट को बताते हैं कि उन्हें गलत जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया था, उन्हें 1990 में टेलीपोर्ट कर दिया गया था जबकि उन्हें 1996 में जाना था। ये सब सुन के साइंटिस्ट उन्हें कई क्लूज दिखाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने 1990 में उन क्लूज में से किसी को भी नोट किया था, और उन क्लूज में से एक होता है जेफरी गोइंस की फोटो। और जेम्स उन्हें बताते हैं कि यस, जेफरी गोइंस ये वही आदमी है जिससे वो मेंटल असाइलम में मिले थे। और साइंटिस्ट उन्हें एक दूसरा मौका ऑफर करते हैं कि वो फिर से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और 1996 में जा सकते हैं उस वायरस के ओरिजिन का पता लगाने। और तब जेम्स इस बात से एग्री हो जाते हैं, और अभी तक जेम्स खुद ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो वहाँ जाने के लिए क्यों एग्री हुए थे। लेकिन रियलिटी ये रहती है कि जेम्स क्योंकि अंडरग्राउंड रह रहे होते हैं और जब वो पास्ट में ट्रैवल करके जाते हैं तो उन्हें खुले एनवायरनमेंट में बिना जर्म्स बिना वायरस के एनवायरनमेंट में रहने का चांस मिलता है। वहाँ उन्हें खुला एयर, खुला रोशनी और खुला एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, और इन सब से भी ज़्यादा उन्हें डॉक्टर कैथरीन बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी तक जेम्स खुद इस बात पे कन्विंस नहीं हो पाए कि वो डॉक्टर कैथरीन के अफेक्शन में वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जेम्स एग्री हो जाते हैं दोबारा से टाइम ट्रेवल करने के लिए। इसी टाइम पे साइंटिस्ट उन्हें 1996 से एक लड़की की आवाज़ में एक रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी और टूटी फूटी सी थी तो एग्जैक्टली पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये रिकॉर्डिंग किस लड़की की आवाज़ में है, वो क्या बोल रही है। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये रिकॉर्डिंग और ये लड़की कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है फिर से उस वायरस के ओरिजिन से, और उस रिकॉर्डिंग में ये रहता है, द फ्रीडम फॉर एनिमल्स एसोसिएशन ऑन सेकेंड एवेन्यू इज द सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मीज ऑफ द 12 मंकीज। दे आर द वन हु आर गोइंग टू डू इट। आई कैन नॉट डू एनी मोर। आई हैव टू गो Now have a Merry Christmas। तो ये रिकॉर्डिंग जेम्स को वो सुनाते हैं और बोलते हैं कि ये भी एक क्लू है उस वायरस के ओरिजिन का। और फिर जेम्स को वापस से टाइम ट्रेवल कराया जाता है। इस बार टाइम ट्रेवल करके जेम्स पहुंच जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यस फ्रेंड्स, वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और वहाँ उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके प्रिजन में जो सात में जोजे था एक दूसरा कैदी, वो मिलता है। और वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जेम्स के पैर में एक गोली भी लग जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट्स में अपने आप जेम्स वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं 1996 में। अब 1996 में बाल्टीमोर का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये डॉक्टर कैथरीन रैली की एक नई बुक रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने कैसेंड्रा डिजीज़ के बारे में बताया है। इस डिजीज़ में लोगों को ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर से आए हैं, और डॉक्टर कैथरीन ने अपनी बुक में इस डिजीज़ ये डिजीज़ जिन लोगों को हुई थी उनके कुछ एग्जांपल्स पास्ट से दिए थे। इन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आदमी था उसका दिया था। उन्होंने बोला था कि ये आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, और ये ऐसा बोलता था कि ये फ्यूचर से आया है, और इसने ऐसा दावा किया था कि एक महामारी आएगी जो कि 1996 में शुरू होगी और ये दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगी। इस आदमी की फ़ोटो भी डॉक्टर कैथरीन के डिस्प्ले पे दिखाई जाती है, और ये वही जोजे रहता है जो कि जेम्स कोल के साथ प्रिजनर था। इस बुक के इनॉग्रेशन पे डॉक्टर पीटर्स जो कि जेफरी के फादर डॉक्टर गोइंस के असिस्टेंट थे वो भी आए हुए थे। जैसे ही डॉक्टर कैथरीन अपने घर जाने वाली होती हैं और अपने कार में एंटर करने लगती हैं कि उन्हें कोई किडनैप कर लेता है, और उन्हें किडनैप करने वाला किडनैपर खुद जेम्स कोल होता है। वो डॉक्टर कैथरीन को बताता है कि उसने एक न्यूज़पेपर से पता लगाया कि यहाँ पे इस जगह पे इस टाइम पे उनकी किसी बुक का इनॉग्रेशन है, और वो कैथरीन को फिलाडेल्फिया ड्राइव करने को बोलता है। रास्ते में रेडियो में एक न्यूज़ भी आती है कि एक छोटा लड़का जो कि गायब हो चुका है, और ये न्यूज़ सुन के जेम्स बोलता है कि वो लड़का कहीं खोया नहीं है बल्कि वो खलिहान में छुपा है। और रास्ते में जब वो लोग ड्राइव करके कैथरीन और जेम्स ड्राइव करके फिलाडेल्फिया जा रहे होते हैं तो कैथरीन काफ़ी डरी हुई रहती है, लेकिन जेम्स को फिर से पास्ट में आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे उसको ओपन एयर, म्यूज़िक और वो सब कुछ मिलता है जो उसके
टाइम 2035 में उसको नहीं मिल रहा था अंडरग्राउंड रहने की वजह से, और उसको यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। वैसे रियलिटी ये होती है कि उसे ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो फिर से कैथरीन के साथ है, लेकिन अभी तक उसे इस बात का रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उसे कैथरीन के प्रेजेंस में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जेम्स फिलाडेल्फिया इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा है कि वायरस की शुरुआत करने वाले 12 मंकीज उसे वहाँ मिल सकते हैं। अभी सिटी में ये न्यूज़ फैल चुकी है कि जेम्स कोल, जो कि 6 साल पहले मेंटल असाइलम से भागे हुए एक साइकिक पेशेंट हैं, वो डॉक्टर कैथरीन को किडनैप कर चुके हैं और पुलिस कैथरीन और जेम्स को सर्च भी कर रही है। जेम्स को कंटिन्यूसली अभी तक एयरपोर्ट वाला वही ड्रीम आ रहा होता है जहाँ एक आदमी अपने हाथ में गन लेके दौड़ रहा होता है और उसे गोली लग जाती है, और उसे गोली लगता देख एक लड़की घबरा के उसकी तरफ दौड़ती है और ये सब होता देख एक छोटा बच्चा देख रहा है। और अभी कैथरीन इस टाइम तक ये मान चुकी है कि जेम्स पूरी तरह से पागल हैं। रास्ते में एक जगह क्या होता है कि जेम्स को दीवारों पे 12 मंकीज की कुछ पेंटिंग मिलती है और वो कैथरीन को गाड़ी रोकने को बोलता है और उतर के वो पेंटिंग्स देखने लगता है। इस टाइम कैथरीन के पास एक अच्छा चांस था कि वो जेम्स को छोड़ के वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन इतने अच्छे चांस को भी वो नहीं लेती है, वो वहाँ से भागती नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है कि कैथरीन के हार्ट में भी जेम्स के लिए एक फ्रेंडली फीलिंग है और वो भी उसकी तरफ थोड़ी बहुत इंक्लाइंड है। वहीं उसी जगह पे जहाँ पे जेम्स वो पेंटिंग 12 मंकीज वाली देख रहा है, उसे एक आदमी मिलता है, एक रोड साइड आदमी जो कि बहुत ही डर्टी कंडीशन में रहता है, और वो जेम्स को बॉब कहता है। यस, इसकी वॉइस से हमें पता लगता है कि वही आदमी है जो जेम्स से कॉन्स्टेंटली बात कर रहा होता है और जेम्स को उसके मन की बात बोल रहा होता है। वो जेम्स को ये बोलता है कि 2035 के साइंटिस्ट लोग टाइम ट्रैवलर्स के दांतों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं, उसी डिवाइस से वो उन टाइम ट्रैवलर्स को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। फिर उसके बाद जेम्स और कैथरीन का सामना दो बदमाशों से हो जाता है जो उन दोनों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जेम्स उन दोनों बदमाशों को मार देता है। और अब क्या होता है कि जेम्स किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर के लिए भी वांटेड हो जाता है। उसके बाद जेम्स और कैथरीन दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक यंग लड़के लड़कियों का ग्रुप मिलता है जिनसे वो जेफरी गॉइंस के बारे में पूछता है, और उन गर्ल्स एंड बॉयज से जेम्स को ये पता लगता है कि जेफरी पहले उन्हीं लोगों के उन्हीं लड़के लड़कियों के साथ में मिलके काम करता था, और वो लोग जेफरी के साथ 12 मंकीज नाम का एक ग्रुप बना रखे थे। और ये ग्रुप क्या करता था कि जेफरी गॉइंस के जो फादर हैं, जो एक नोबेल प्राइज़ विनिंग वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके एक्सपेरिमेंट जो जानवरों पर किए जाते हैं उनके खिलाफ जेफरी के फादर को तंग करते थे, लेकिन अब जेफरी अपने फादर के साथ मिल चुका है। और ये सब वहीं पे सुन रही कैथरीन को यही लगता है कि जेफरी और जेम्स दोनों ही पूरी तरह से पागल हैं। अब क्या करता है, जेम्स एक कार भी चोरी करता है और उसमें कैथरीन के साथ आगे जाता है। अब जेम्स मर्डर और किडनैपिंग के साथ साथ चोरी में भी वांटेड हो जाता है अभी की पुलिस के लिए। एक जगह जाते जाते कैथरीन को ये पता लगता है कि जेम्स के पैरों में एक्चुअली गोली लगी हुई है, और वो रुक के कुछ फर्स्ट एड पिक करती है और फिर जेम्स के पैरों से गोली निकालती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही कैथरीन जेम्स के पैरों से गोली निकालती है, और कैथरीन ने क्या किया था, जो गोली वो जेम्स के पैर से निकालती है वो अपने पास ही रख लेती है। और उसके बाद जेम्स कैथरीन को उसी गाड़ी में, उसी चोरी की हुई गाड़ी में बंद करके जेफरी के घर चला जाता है। और वो जेफरी के घर जाके जेफरी से जब मिलता है, उससे 12 मंकीज के बारे में पूछता है, तो जेफरी के पास बातों से ऐसा लगता है कि वही 12 मंकीज का लीडर है और कुछ ही दिनों बाद वो वायरस की शुरुआत करने वाला है। हालांकि जेफरी का ऐसा कोई एम नहीं होता है, लेकिन यहाँ जेफरी ये सब इसलिए बोलता है ताकि वो कन्फ्यूज़ कर सके और करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी तक ना पहुँच सके। और एक्चुअली जेफरी का और 12 मंकीज का क्या प्लान था ये अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें अभी तक ये लगता है कि हाँ वही 12 मंकीज का लीडर है और वह कुछ दिनों बाद वायरस का स्टार्ट करने वाला है। और इसके बाद जेम्स कैथरीन के पास लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो कैथरीन को गाड़ी से निकालता है, कैथरीन उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। और जब जेम्स उसे बताता है कि उसे पता लग चुका है कि जेफरी ने ही इस वायरस का स्टार्ट किया था और वो अब से कुछ दिनों बाद इस वायरस का स्टार्ट करने वाला है, तो कैथरीन उसे बोलती है तुम और जेफरी दोनों ही पूरी तरह से पागल हो। उसके बाद वहाँ पे कुछ पुलिस वाले पहुँचने वाले होते हैं, तो कैथरीन अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा के उनको इशारा करती है ताकि वो लोग उसके पास आ सकें और उन लोगों को बचा सकें। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसके पास आ ही रहे होते हैं, और इधर जेम्स
बहुत खुश था कि उसे अपना एम भी पता लग चुका है और उसे यहाँ के खुले एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पानी देखता है, रोशनी, हवा, खुला एनवायरनमेंट देखता है, पेड़ पौधे देखता है, उसे वो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, खेल रहा होता है। और कैथरीन जैसे ही इधर देखती है, एक सेकेंड में ही जेम्स गायब हो जाता है वहाँ से। अब कैथरीन तो पुलिस को वापस मिल चुकी है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट अपना पुलिस को देती है जेम्स के बारे में, उससे यही पता लगता है कि जो भी कैथरीन बोल रही है वो काफ़ी डिफेंसिव है जेम्स के लिए। और जो कॉप उसका स्टेटमेंट ले रहा होता है, वो ये सोचता है कि कैथरीन अपने किडनैपर के साथ मतलब दोस्त बन गई होगी, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई होगी, जब जेम्स ने कैथरीन को किडनैप किया तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो गई होगी, इसीलिए इसी वजह से कैथरीन बहुत ही डिफेंसिव स्टेटमेंट दे रही है अपने किडनैपर दोस्त के बारे में। अभी कैथरीन ये मान लेती है कि जेम्स एक साइकिक है, और जैसे वो पहली बार 1990 से गायब हो गया था, वैसे वो अभी भी गायब हो गया है। तब उसे टीवी पे उसी छोटे बच्चे के गायब होने का न्यूज़ मिलता है, और उसे ये पता चलता है टीवी की न्यूज़ से कि सच में वो बच्चा कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि खलियान में छुपा हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक क्लू से मिलता जाता है। उस बुलेट की जो कैथरीन ने जेम्स के पैर से निकाला था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और उससे यह पता चलता है कि वो बुलेट सच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही टाइम की थी। और उसके बाद कैथरीन बहुत ही चौंक जाती है, वो अपने कैसेंड्रा डिजीज पे लिखी हुई बुक के पिक्चर्स को चेक करती है, और जिस आदमी का जिक्र उसने उस बुक में किया था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था और वो ये दावा करता था कि वो फ्यूचर से आया है, जब वो उस आदमी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखती है, तो उसकी एक फोटोग्राफ्स में उस आदमी के साथ साथ जेम्स का भी फोटो था। और अब जेम्स का इस फोटो देखकर, इतने सारे क्लूज को देखकर कैथरीन को क्लियर हो जाता है कि जेम्स जो अपने फ्यूचर से आने वाली बात बोल रहा था, वो सारी बातें सच हैं। अब इधर क्या होता है, जेम्स जो कि इन्फॉर्मेशन लेके 2035 में लौट आए हैं, और यहाँ के साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने वायरस के स्टार्ट का पता लगा लिया है, और पता ये लगाया है कि वायरस का स्टार्ट फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर गोइंस से लिंक्ड है, तो इसलिए उनकी पूरी की पूरी सज़ा माफ़ कर दी गई है। और बहुत बड़ी बात थी कि जेम्स की पूरी सज़ा माफ़ हो गई थी, लेकिन उसे अभी प्रेजेंट में अच्छा नहीं लगता, उसे सज़ा माफ़ होना अच्छा नहीं लगता है। और अब इस स्टेज पे जेम्स ये सोचता है कि कैथरीन की सारी बातें सच है, वो खुद को पागल मानने लगता है, और वो ये मानने लगता है जैसा कि कैथरीन ने उसे कहा था कि ये फ्यूचर से आने वाली बात, ये सब उसके मन में बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक धोखा है, और टाइम ट्रैवल की सारी बातें धोखा हैं, और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने प्रेजेंट में, अपनी माफ़ी में, बल्कि उसे पास्ट में ही अच्छा लगता है। और तभी वो आदमी जो जेम्स को बॉब कहता है और उससे अक्सर बातें करता है, उसके अपने मन की बात उसको बोलता है, वो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, तुम्हें ये माफ़ी, ये प्रेजेंट, ये वायरस से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें पास्ट में अच्छा लगता है, तुम्हें वो एनवायरनमेंट, वो पानी, हवा, वो पेड़ पौधे, वो रोशनी अच्छा लगता है, और उसके साथ तुम्हें रहना है, उसके इन द सेंस कैथरीन के साथ। और तब क्या करता है जेम्स, अपने 2035 के उन साइंटिस्ट्स को ये बोलता है कि अभी जो उसे वायरस की इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी नहीं है। यस, वो उन्हें बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, और उन्हें कन्विंस करता है कि उसे फिर से पास्ट में जाना होगा, ताकि वो वायरस की पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर सके, एग्जैक्टली पता कर सके कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। और वो सक्सेस भी हो जाता है, जेम्स अच्छी तरह से उन साइंटिस्ट को कन्विंस कर लेता है, और वो फिर से उसे टाइम ट्रैवल कराने को रेडी हो जाते हैं। इधर कैथरीन जो कि ये मान चुकी है कि जेम्स सच बोल रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारे ऐसे क्लूज मिल रहे थे, जो जो जेम्स ने बातें कही वो सब सच हो सकती हैं, इस बात का उसे एविडेंस मिल रहा था। तो जेम्स अब कैथरीन अब जेम्स को ढूंढ रही है। यहाँ वो डॉक्टर गोइंस को, जो जेफ्री के फादर थे, उन्हें भी फ़ोन करती है और बोलती है कि जेफ्री का वायरस स्टार्ट करने में, जो कि दुनिया के ज़्यादातर पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा, उसमें कोई रोल है। लेकिन जेफ्री के फादर कैथरीन को एक्नॉलेज करने से पूरी तरह से मना कर देते हैं। अभी जेफ्री के फादर डॉक्टर गोइंस और कैथरीन की बातें डॉक्टर गोइंस के असिस्टेंट डॉक्टर पीटर्स भी सुन रहे हैं। उसके बाद कैथरीन हर उस जगह जाती है जहाँ जेम्स उसे किडनैप करके ले गया था, वो हर उस जगह जाती है और जेम्स को सर्च करने की कोशिश करती है। वहीं उसे वो आदमी फिर से मिलता है जो जेम्स को बॉब कहता है, और एक ही सेकंड बाद हम देखते हैं
कि कैथरीन को जेम्स दिख जाता है, लेकिन क्योंकि अब जेम्स को 1996 में पुलिस मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, रॉबरी इन सब के लिए सर्च कर रही है, तो कैथरीन उसे छुपाने की कोशिश करती है। और जेम्स कैथरीन को बोलता है कि वो सच में पागल है, उसे यहीं पे रहना है, वो पुलिस को सरेंडर भी करना चाहता है, लेकिन कैथरीन उसको छुपा के ले जाती है वहाँ से। और इस टाइम पे हमें ये भी पता लगता है कि जेफ्री और उसके दोस्तों का सच में एक प्लान है और उसे वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लेकिन वो प्लान क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाता है। इधर जेम्स और कैथरीन क्या होता है, छुपते छुपते एक होटल में पहुंचते हैं। कैथरीन जेम्स को लेके एक होटल में पहुंचती है और वो जल्दी जल्दी में ऐसे होटल में पहुंच जाती है जहां अक्सर कॉल गर्ल्स अपने कस्टमर्स के साथ आती हैं। वहां कैथरीन जेम्स को बताती है कि उसकी जेम्स की बताई हुई सारी बातें सच है, और जेम्स तब उससे बोलता है कि उसको पता नहीं कि क्या सच है और क्या नहीं, उसे सिर्फ एक ही सच पता है कि उसे इसी टाइम में रहना है, इसी जगह पे रहना है और कैथरीन के साथ रहना है। तब कैथरीन जेम्स से वो नंबर मांगती है जिस नंबर पे जेम्स ने 1990 में एक बार कॉल किया था, लेकिन वो उस टाइम रॉन्ग नंबर था। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि उनके रूम में उस एरिया का वो पिम्प आ जाता है जो कि वहाँ की सारी कॉल गर्ल्स को एग्जीक्यूट करता है, और उसे लगता है कि ये कैथरीन एक नई कॉल गर्ल है जो उसके एरिया में उसको बिना बताए अपना काम कर रही है, और वो कैथरीन पे हमला भी करता है, लेकिन जेम्स उस पे हमला कर देता है और उसे रॉब कर लेता है। रॉब इसलिए करता है क्योंकि कैथरीन बोलती है कि जेम्स को बोलती है कि वो उसके पैसे ले ले, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। और उसके बाद जेम्स अपने दांत भी तोड़ लेता है, अपने दांत इसलिए तोड़ लेता है क्योंकि उसके दांतों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है और वो ये नहीं चाहता कि 2035 के साइंटिस्ट उसे सर्च कर पाएं। और उसके बाद दोनों होटल से भाग जाते हैं। कैथरीन उस नंबर पर कॉल करने जाती है और वो एक्चुअली एक कारपेट क्लीनिंग कंपनी का नंबर होता है, और उस नंबर पे एक वॉइस मेल मिलता है उसको। और कैथरीन क्या करती है कि इस बात को मतलब एज अ फन या एज अ प्रैंक उस नंबर पे एक मैसेज छोड़ देती है। मैसेज ये होता है, द फ्रीडम फॉर एनिमल्स एसोसिएशन ऑन सेकेंड एवेन्यू इज द सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू डू इट, आई कैन नॉट डू एनी मोर, आई हैव टू गो नाउ, हैव अ मैरी क्रिसमस। और जब कैथरीन जेम्स को बताती है कि ये कारपेट क्लीनिंग कंपनी का नंबर है और मैंने ये मैसेज उस वॉइस मेल पर छोड़ दिया है, तो जेम्स उसको बताता है यही वो मैसेज था जो 2035 में साइंटिस्ट हमें सुनाते थे, मुझे सुनाते थे, और मैं तुम्हारी वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, वो तुम ही हो जिसने ये मैसेज छोड़ा था, और अब साइंटिस्ट को 2035 में तुम्हारा नंबर, तुम्हारा मैसेज मिल चुका है। उसके बाद क्या होता है कि कैथरीन और जेम्स दोनों अपनी ड्रेसेस और अपने हेयर को इस तरह से बदल लेते हैं, मतलब वो ड्रेसेस भी चेंज कर लेते हैं और विग्स भी लगा लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि पुलिस उन दोनों को अब सर्च कर रही है। और विग लगाई हुई कैथरीन को जब जेम्स पहली बार देखता है तो वो उसको बताता है कि एयरपोर्ट वाली लड़की जो उसके सपने में आती थी वो एक्चुअली कैथरीन ही थी। और कैथरीन भी जेम्स को बोलती है कि उसे भी पहले से लगता था कि वो उससे पहले से जानती थी, मतलब कैथरीन को ऐसा लगता था कि वो जेम्स को पहले से जान रही है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि वो उसे हमेशा से जानती है, और ये एक लविंग मोमेंट रहता है दोनों के बीच में। और इधर क्या होता है, जेफ्री का एक्चुअली प्लान अब हमें पता चलता है, वो क्या करता है अपने उन 11 दोस्तों के साथ मिलके, मतलब ये 12 मंकीज़ का जो शरारती लड़के लड़कियों का ग्रुप है, वो सब मिलके जेफ्री के फादर डॉक्टर गोइंस को किडनैप कर लेते हैं। और उनका एक्चुअली प्लान ये रहता है कि डॉक्टर गोइंस को किडनैप करने के बाद वो लोग जू से सारे एनिमल को फ्री कर देते हैं। यस फ्रेंड्स, ये उनका प्लान रहता है 12 मंकीज़ का कि वो जू से सारे एनिमल्स को फ्री कर देंगे। तो वो लोग अपने इस प्लान को कर देते हैं और पूरे शहर में एनिमल्स ही एनिमल्स फैल जाते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि एक्चुअली 12 मंकीज़ के प्लान का वायरस से कोई भी लेना देना नहीं था, उस महामारी वाले वायरस से भी कोई लेना देना नहीं था। अब कैथरीन और जेम्स दोनों अपने मतलब कंसील किए हुए फॉर्म में विग्स वगैरह लगा के एयरपोर्ट पहुँचते हैं ताकि वो किसी दूसरी जगह जा सकें, क्योंकि इस जगह पे क्या होता है, जेम्स को और कैथरीन को पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस से छुपने के लिए वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट पे जाके जेम्स उसी नंबर पे जो साइंटिस्ट ने उसे दिया था कॉल करता है और ये मैसेज देता है कि 12 मंकीज़ का वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक शरारती लड़के लड़कियों का ग्रुप है और उनका इस वायरस वाली बात से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं जेम्स
को एयरपोर्ट पे जोजे मिलता है, जोजे जो कि उसका दोस्त था, प्रिजन में उसका फेलो प्रिजनर था, और वो जेम्स को एक गन देता है और कहता है कि अगर जेम्स ने ये गन नहीं ली तो वो उस लड़की कैथरीन को शूट कर देगा, उसे मार देगा। इधर कैथरीन डॉक्टर पीटर्स को देख लेती है और उनके हाथ में वही ब्रीफकेस देखती है जो जेम्स के सपने में आता था, और ये बात जाके वो जेम्स को बताती है। यस, डॉक्टर पीटर्स ही वो हैं जो वायरस के साथ दुनिया के बहुत सारे प्रोमिनेंट सिटी अभी ट्रैवल करने वाले हैं, और जेम्स और कैथरीन दोनों क्या करते हैं, डॉक्टर पीटर्स को रोकने के लिए उनकी तरफ जाते हैं, और वो लोग एक्चुअली रन करते हैं एयरपोर्ट पे उन्हें रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही जेम्स सिक्योरिटी गेट को पास कर लेता है बिना फ्रिस्किंग प्रोसीजर से पास हुए, मतलब उसके हाथ में गन रहता है, तो फिर एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज़ रहता है वो जेम्स को शूट कर देता है और जेम्स को गोली लग जाती है और जेम्स गिर जाता है। जेम्स को गोली लगते हुए देख कैथरीन उसकी तरफ दौड़ती है और कैथरीन उसको कैच कर लेती है और जेम्स गिर गया है। ये सब होते देख वहाँ एक छोटा बच्चा देख रहा है, और कैथरीन जब उस छोटे बच्चे को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो छोटा बच्चा अभी बच्चा जेम्स है जो अपने ही एडल्ट फॉर्म को यहाँ गोली लग के मरते हुए देख रहा था, और यही एयरपोर्ट वाला वो ड्रीम था जो जेम्स को हमेशा आया करता था। अब डॉक्टर पीटर्स को रोकने की तो जेम्स और कैथरीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और वो सिक्योरिटी प्रोसीजर को पास करके अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। फ्लाइट में उन्हें फ्यूचर की 2035 की एक साइंटिस्ट मिलती हैं। यस फ्रेंड्स, ये वही साइंटिस्ट थी, उन्हीं ग्रुप में से एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने जेम्स को पहली बार पास्ट में भेजा था, और ये इसलिए यहाँ पे आई थी क्योंकि अब साइंटिस्ट लोगों को ये पता लग गया था कि कहाँ से एक्चुअली वायरस की शुरुआत हुई है, और ये साइंटिस्ट यहाँ पे जो डॉक्टर पीटर्स को फ्लाइट में मिलती है इसलिए आई थी ताकि वो वायरस के प्राइमेटिव यानी कि ओरिजिनल फॉर्म को स्टडी कर सके और उसकी दवाई बना सके 2035 के लोगों के लिए। तो यहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। और आपको कैसी लगी 12 मंकीज़ की कहानी? आप लोग ये मूवी ज़रूर देखना। वैसे तो ये मूवी देखने के बाद इतनी इजी है समझने में कि इसमें इसको समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सुनने के बाद मूवी और भी ज़्यादा इंजॉयबल और अच्छी लगती है देखने में। तो आप लोग इसे ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये मूवी देखी या नहीं देखी। अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, और कौन सा पार्ट, कौन सा इस मूवी का जो डोमेन है, या कौन सा एक्टर आपको सबसे अच्छा लगा, किसकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा, सब कुछ बताना। और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपने कौन से फेवरेट हॉलीवुड मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं हिंदी में, या फिर किसी हॉलीवुड सीरियल की स्टोरी सुनना चाहते हैं, या फिर अपने किसी फेवरेट हॉलीवुड एक्टर की सारी हिंदी डब मूवी की लिस्ट जानना चाहते हैं, या उनकी किसी फेवरेट मूवी के बारे में, उसकी स्टार कास्ट या स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के लिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे।